नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 29 दिसंबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। मार्केटिंग असिस्टेंट और ड्राइवर समेत कई पदों के लिए निकाली गई वैकेंसी। इंडियन फार्माकोपियो कमीशन ने मार्केटिंग असिस्टेंट से लेकर ड्राइवर तक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार इंडियन फार्माकोपिया कमीशन भर्ती 2020-21 का हिस्सा बनने के लिए निर्धारित आवेदन प्रारूप के माध्यम से 9 फरवरी 2021 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो विभाग ने अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की है, जिसमें मास्टर डिग्री से लेकर 8वीं पास होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ipc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वैशाली के विश्व शांति स्तूप में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। शांति का प्रतीक विश्व शांति स्तूप वैशाली का एक अनूठा घटक है, जिसका निर्माण जापानी बौद्ध के निपोनजन महोयोजी संप्रदाय ने करवाया था। इस स्तूप का व्यास 65 फीट का है और इसके स्तूप का आकार 125 फुट लंबा है। स्तूप में भगवान बुद्ध के अवशेष, सोने के गहने और कांच का काफी सामान रखा है। यह स्थान हमेशा सद्भाव और बुद्ध के सिद्धांतों का स्थल है, जो पूरे विश्व में शांति बनाए रखने का आह्वान देता है। बिहार के नए शहरों में महंगी हो सकती है जमीन। 100 से अधिक नए नगर निकायों के गठन से बिहार में शहरी क्षेत्र को बढ़ावा तो मिलेगा ही, रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। शहरी क्षेत्र की योजनाएं लागू होने से स्वरोजगार, उद्यम आदि को बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण से नगर क्षेत्र में आने के कारण नए निकायों में जमीन की कीमतों में भी बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। आमतौर पर नगर निकायों में कृषि, विकासशील और व्यावसायिक जमीन चिन्हित की जाती है। इस हिसाब से उनका सर्कल रेट तय होता है। ऐसे में सभी नए नगर निकायों में हिसाब से जमीन का वर्गीकरण का काम पूरा किया जाता है और ये जल्द शुरू हो सकता है। नगर पंचायत से नगर परिषद बने और नगर परिषद से नगर निगम बने निकायों में भी जमीन की कीमत भी पहले की तुलना में बढ़ सकती है। बिहार पुलिस मुख्यालय में अब इंटरव्यू में सफल अधिकारियों की ही होगी तैनाती। बिहार पुलिस मुख्यालय में अब तैनाती का काम साक्षात्कार के माध्यम से होने जा रहा है, जिसको पास करने के बाद ही चयन प्रक्रिया में अधिकारियों और जवानों को शामिल किया जाएगा, जिसके बाद रेंज आईजी, डीआईजी और जिले के एसपी के मनोनयन वाले ऐसे ही लगभग 300 पुलिस कर्मियों का बीते दिन साक्षात्कार करवाया गया, जो कि 30 दिसंबर तक जारी रहने वाला है। साक्षात्कार में पास होने वाले अभ्यर्थियों की तैनाती की अनुशंसा की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने साक्षात्कार के लिए 285 पुलिस कर्मियों की सूची तैयार की है। इनमें इंस्पेक्टर, एसआई, एएसआई, हवलदार और सिपाही शामिल है, जिसके बाद पहले दिन कुल मिलाकर 95 पुलिसकर्मियों के साक्षात्कार लिए जाएंगे। बिहार में सब्जी उत्पादकों को मिलेगा सरकारी सुविधा का लाभ। बिहार के 10 जिलों के सभी सब्जी उत्पादक किसानों को पूरी जानकारी सरकार के पास मौजूद है। इसके लिए इन किसानों के सर्वे का काम भी शुरू हो गया है। कोरोना के कारण हुई देरी के बावजूद उम्मीद जताई जा रही है कि 2 महीने में यह काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद सरकार इन किसानों को अपनी योजना से जोड़ने के साथ साथ नई योजना बनाने पर विचार करेगी। इसके साथ ही खुदरा सब्जी विक्रेताओं को संगठित करने के साथ सरकार सब्जी उत्पादकों को भी हर सुविधा देने की तैयारी कर रही है। इसके इन किसानों का डेटाबेस तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार में नए साल में मेमू ट्रेनों की मिलेगी सौगात। कोरोना के माहौल के बीच अब ट्रेन सेवा धीरे धीरे बहाल हो रही है। इसी क्रम में बिहार को नए साल का सौगात मिला है। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने 22 नए मेमू पैसेंजर ट्रेन के परिचालन का फैसला ले लिया है। इस फैसले के तहत पटना से कई शहरों के बीच आना जाना आसान हो जाएगा। नए साल में बिहार में सरकारी नौकरियों की होगी बहार। कोरोना के माहौल में नौकरियों की बौछार होने वाली है। पीएचईडी में जनवरी 2021 तक कुल 784 पदों पर संविदा पर नियुक्ति होगी। दूसरी ओर विभाग ने केमिस्ट के 33, असिस्टेंट केमिस्ट के 30 और लैब असिस्टेंट के 125 यानी कुल 196 पदों पर स्थायी नियुक्ति होनी है। बिहार में नए साल में 100 माइनिंग इंस्पेक्टर और 40 खनिज विकास अधिकारियों की नियुक्ति होगी। इसके साथ ही भूमि सर्वेक्षण के काम में तेजी लाने के लिए 550 अमीनों के पद के लिए हुई बहाली का परिणाम इसी महीने जारी किया जाएगा। बिहार में कोरोना के मिले 300 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 309 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,51,304 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 121 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही वेस्ट चंपारण में 20 तो गया में 16 मामले सामने आए हैं।
आज से बिहार के मौसम में बदलाव आने की बड़ी संभावना। बिहार में फिलहाल ठंड के बीच निकलती धूप ने लोगों को राहत दी है, मगर पटना मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो हिमालय से पश्चिमी विभोक्ष के कारण बर्फबारी जारी है, जिसका असर सबसे पहले देश के पर्वतीय राज्यों पर पड़ने वाला है। उसके बाद मैदानी भागों में तापमान में गिरावट देखने को मिलने वाली है, जिसके बाद आज से बिहार के मौसम में बड़े बदलाव की संभावना जताई गई है। दक्षिण पश्चिमी बिहार में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ है। गया में बीते दिन का न्यूनतम तापमान की बात करें तो यह 4.8 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य से 4.1 डिग्री सेल्सियस कम है। बिहार नीट की रैंक लिस्ट हुई जारी। सभी नीट परीक्षार्थियों के लिए अहम सूचना। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर UGMAC 2020 के पहले और दूसरे दौर की संयुक्त मेडिकल कॉलेज वाइज ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक जारी कर दी है। अभ्यर्थी बिहार नीट रैंक को bceceboard.bihar.gov.in पर ऑनलाइन देख सकते हैं, जिसके बाद सभी उम्मीदवार इस लिस्ट को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। COVID-19 के माहौल में बिहार को मिलेगा डिजिटल इंडिया अवार्ड। COVID-19 के माहौल में लोगों के बैंक खाते में सीधे आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए बिहार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों केंद्रीय संचार और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद की मौजूदगी में 30 दिसंबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में बिहार को इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। COVID-19 के दौरान लॉकडाउन में नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सहायता राज्यों की तरफ से दी गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री सचिवालय आपदा प्रबंधन विभाग और NIC की COVID-19 माहौल में बेहतरीन काम करने के लिए विजेता चुना गया है। डिजिटल इंडिया अवार्ड भारत सरकार द्वारा नागरिकों को अनुकरणीय डिजिटल उत्पाद और सेवाओं के लिए दिया जाने वाला राष्ट्रीय पुरस्कार है। स्कूलों में सरकारी योजनाओं का नहीं मिल रहा है लाभ तो कर सकेंगे शिकायत। बिहार के स्कूलों में सरकार की योजना की राशि आपके खाते में नहीं मिल रही है और स्कूल का चक्कर लगा रहे हैं, तो इन तमाम समस्याओं का समाधान अब आसान हो गया है। अब छात्र खुद शिकायत कर सकेंगे। इसके लिए अब पंचायत स्तर पर इसकी समीक्षा रिपोर्ट तैयार की जाएगी। पटना जिला शिक्षा कार्यालय की माने तो जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक 3 नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे। पंचायत स्तर के अलावा प्रखंड और फिर जिला स्तर पर नोडल अधिकारी शिक्षा संबंधित तमाम योजनाओं की समीक्षा रिपोर्ट तैयार करेंगे। गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। बिहार के कई आईपीएस ऑफिसर को मिला प्रमोशन। बिहार के कई आईपीएस ऑफिसर को प्रोन्नति मिल गई है। बीते दिन बुलाई गई विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में कई आईपीएस अफसरों को प्रोन्नति पर मुहर लगा दी गई है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 5 आईपीएस अधिकारी को आईजी से एडीजी में प्रोन्नति मिल गई है। जानकारी के अनुसार 3 डीआईजी को आईजी में प्रोन्नत किया गया है, वहीं 6 आईजी को एडीजी में प्रोन्नत किया गया है। इनमें NH खान, पारसनाथ अमित जैन, बच्चू सिंह मीना, कमल किशोर सिंह एडीजी का नाम शामिल है। वहीं प्रोन्नति समिति ने एडीजी शोभा अहोतकर को डीजी रैंक में प्रोन्नत करने पर मुहर लगा दी है। कांग्रेस स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं ने निकाला पैदल मार्च। आज भले ही कांग्रेस का नेतृत्व खत्म होने की कगार पर है, वहीं बीते दिन कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर पैदल मार्च का आयोजन करवाया गया था, जहां कांग्रेस ने एक बार फिर से कृषि कानून को वापस लेने की मांग की है। आपको बता दें, बीते दिन कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने सदाकत आश्रम से राजेंद्र प्रसाद की स्मृति स्थल बांसघाट तक पैदल मार्च निकाला था। इस अवसर पर कांग्रेस के विधायक राजेश कुमार ने कहा कि किसान कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को नए कृषि कानून वापस लेना होगा। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है, हम कॉरपोरेट घराने के कानून का विरोध करते हैं। नए साल में कई विधायकों की कुर्सी खतरे में। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं। हालांकि अब चुनावी नतीजे के बावजूद कई विधायकों की कुर्सी जाने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जिस पर जीत का अंतर काफी कम था, जिसके बाद इस मामले को लेकर हारे हुए विधायकों ने मामला दर्ज करवाया था, जिस पर 4 जनवरी को सुनवाई होने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार केस फाइल हो गया है, मुख्य न्यायाधीश के सामने प्रस्तुति और लिस्टिंग भी हो चुकी है। 4 जनवरी को अदालत खुलने के बाद सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। संभव है कि नए साल में कुछ को अपने MLA की कुर्सी गंवानी पड़ सकती है। आपको बता दें, महागठबंधन की तरफ से हारे हुए 29 प्रत्याशियों ने मतगणना में गड़बड़ी एवं अन्य आरोपों में 27 विधायकों के खिलाफ 24 दिसंबर तक अलग अलग तारीखों में मुकदमा दर्ज कराया है। पटना एम्स में कोरोना वैक्सीन ट्रायल में 750 लोगों ने लिया हिस्सा। भारत समेत दुनिया कोरोना के चपेट में है, ऐसे में कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन तैयार किया जा रहा है। पटना एम्स में भी लगातार इसका ट्रायल जारी है। पटना एम्स के अधीक्षक डॉक्टर CM सिंह ने बताया है कि पटना एम्स वैक्सीन ट्रायल में लगातार जागरूकता फैला रहा है और मीडिया का सहयोग भी मिल रहा है, जिससे लोग जागरूक हो रहे हैं। लोगों को हम लोग जाकर भी जागरूक कर रहे हैं, तो बिहार के विभिन्न इलाकों से लोग यहां पहुंच रहे हैं और वैक्सीन ट्रायल में शामिल हो रहे हैं। अभी तक हमने 750 लोगों को लगभग वैक्सीन ट्रायल में शामिल किया है।
बिहार के किसान आज करेंगे राजभवन मार्च। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन की लहर अब बिहार में भी देखने को मिल रही है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर आज बिहार के विभिन्न जिलों के किसान राजभवन मार्च करेंगे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। इस राजभवन मार्च में अखिल भारतीय किसान महासभा के साथ साथ AIKSCC के सभी सदस्य शामिल होंगे। सुशील कुमार मोदी ने नीतीश के पद नहीं ग्रहण करने की बात का किया समर्थन। बीते दिनों बिहार जदयू में बड़ा बदलाव देखने को मिला, जिसके बाद RCP सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कुर्सी सौंप दी गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपना बयान जारी करते हुए कहा था कि उन्हें कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना ही नहीं था। वहीं उनके इस बयान का अब सुशील मोदी ने भी समर्थन किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातों का समर्थन करते हुए कहा कि हां, वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन भाजपा और जदयू के नेताओं ने कहा कि हम लोगों ने उनके नाम और विजन पर बिहार चुनाव लड़ा, लोगों ने उनके नाम पर हमें वोट दिया। इसके बाद उन्होंने जदयू, भाजपा और VIP नेताओं के कहने पर CM पद स्वीकारा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। मुगल शासक बाबर का बेटा हुमायूं 1530 में उसका उत्तराधिकारी आज ही के दिन बना। कलकत्ता में 1972 में मेट्रो रेल का काम आज ही के दिन शुरू हुआ। विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर 1977 में ड्राइव बम्बई में आज ही के दिन खुला था। श्रीलंका में 1985 में 43,000 भारतीयों को नागरिकता आज ही के दिन प्रदान की गई थी। पाकिस्तान पर्यटकों को 2002 में भारत के 3 शहरों में घूमने की अनुमति आज ही के दिन दी गई। प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक तथा ख्याति प्राप्त धारावाहिक रामायण के निर्माता रामानंद सागर का जन्म 1917 में हुआ। हिंदी फिल्म के प्रसिद्ध अभिनेता राजेश खन्ना का जन्म 1942 में आज ही के दिन हुआ था। कोरोना वैक्सीन का शुरू हुआ मॉक ड्रिल। कोरोना वैक्सीन का बीते दिन से देश में पहुंचाए जाने की तैयारी आरंभ हो चुकी है। वैक्सीन का 48 घंटे तक बड़ा मॉक ड्रिल शुरू हो चुका है। पंजाब, आंध्र प्रदेश, गुजरात और असम में कोरोना वैक्सीन से पहले तैयारियों का जायजा लिए जाने के लिए बीते दिन से ड्राई रन शुरू कर दिया गया है। इस ड्राई रन का उद्देश्य है कि वैक्सीनेशन से पहले अगर कुछ कमी रह गई हो तो उसे सुधार कर लिया जाए। इस दौरान वैक्सीन के लिए खासतौर से बनी कोविन ऐप की ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, फील्ड प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन चेक किया जाएगा। ICC ने महेंद्र सिंह धोनी को दिया दशक का सबसे बड़ा सम्मान। 15 अगस्त को महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट की दुनिया को अलविदा कह दिया था। दुनिया के महान कप्तानों में शुमार धोनी ने क्रिकेट की दुनिया पर एक दशक तक राज किया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इस चैंपियन कप्तान को खेल भावना का परिचार देने के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है। ICC ने उनको स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डेकेड अवार्ड के लिए चुना है। इसके साथ ही ICC ने घोषणा करते हुए भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली को इस दशक का बेस्ट वनडे खिलाड़ी चुना है। गौहर खान ने शादी के बाद पति जैद दरबार के साथ शेयर की तस्वीर। अभिनेत्री गौहर खान की शादी जैद दरबार के साथ हो चुकी है। वहीं 22 दिसंबर से ही शादी के सेलिब्रेशन की शुरुआत हो गई थी, जिसके बाद 25 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। सोशल मीडिया पर रिसेप्शन और निकाह के कई वीडियोज और फोटो सामने आए, जो जमकर वायरल हुए। निकाह के बाद गौहर खान ने हाल ही में शौहर जैद दरबार संग कुछ तस्वीर शेयर की है। शादी के बाद गौहर खान के चेहरे पर ग्लो साफ नजर आ रहा है। दोनों की फोटो में मस्ती के मूड में नजर आ रहे हैं। दोनों ने ही ग्रे कलर की टी शर्ट पहन रखी है। जैद की टी शर्ट पर हबी लिखा है और गौहर की टी शर्ट पर वाइफी लिखा है। 1 जनवरी से कई फोन्स में बंद हो जाएगा व्हाट्सएप। व्हाट्सएप यूजर के लिए अहम सूचना। 2021 तक पॉपुलर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पुराने आईफोन और एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर काम करना बंद कर देगा। बताया जा रहा है कि कुछ लोग पूरी तरह से एक्सेस खो सकते हैं, जबकि कुछ लोग इसके लिए कुछ फीचर्स का उपयोग नहीं कर पाएंगे। खबर के मुताबिक पुराने स्मार्टफोन यूजर जिन्होंने iOS 9 या उससे ऊपर या फिर एंड्रॉइड 4.0.3 या उससे ऊपर अपग्रेड नहीं किया है, वे व्हाट्सएप नहीं चला पाएंगे। दरअसल हाल ही में ऐप के निर्माताओं ने बताया कि अगले साल से जिन लोगों ने अपने स्मार्टफोन्स को अपडेट नहीं किया होगा, वो लोग व्हाट्सएप का एक्सेस खो सकते हैं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 28 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,260 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,260 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 67,700 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 86.32 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 79.10 रुपए प्रति लीटर था।
बिहार के किसान पहुंचे सिंधु बॉर्डर। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर लगातार किसान जमे हुए हैं, वहीं अब बिहार के किसान भी सिंधु बॉर्डर पर विरोध करने पहुंच गए हैं। बिहार के कांग्रेस नेता भी किसानों के समर्थन में सिंधु बॉर्डर पर कैंप कर रहे हैं। किसानों के समर्थन में बीते दिन सिंधु बॉर्डर दिल्ली में बिहार के किसानों नौजवानों ने सैकड़ों लोगों के साथ मार्च निकालकर एकता का संदेश दिया है। वहीं अब किसान और सरकार के बीच आज होने वाली वार्ता को टाल दिया गया है, जिसके बाद यह बातचीत बुधवार को होगी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है साहिल कुमार, विकास यादव, विजय कुमार, दीपक कुमार, अनुप कुमार, सौरभ कुमार गोस्वामी, वीडियो नवीन कुमार, रवि रंजन कुमार, राजेश कुमार रंजन, गौतम कुमार, पंकज कुमार, सोमनाथ कुमार, बिट्टू कुमार, अशफाक राज, मुन्ना पंडित, शशिकांत कुमार, सौरभ कुमार, रेखा राय, सुनील कुमार, कुणाल कुमार, गोविंद गौतम। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार पर्यटन के दृष्टिकोण से बिहार का कौन सा जिला सबसे ज्यादा घूमने योग्य है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।